अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहने, आज मैं अंडे की भुजिया बना रही हूँ, या अंडे का खातीना कहते हैं वो बना रही हूँ। और मैं आपको मसाले दिखाती हूँ। ये मैंने ले लिया टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है मैंने, और इसमें थोड़ी सी हरी, दो मिर्चें मैंने हरी ले ली हैं, एक थोड़ी सी रेड है, एक ग्रीन है। और इसमें थोड़ा सा दो चार कड़ी पत्ते हैं, और कड़ी पत्ता मैं यूज़ ज़रूर करती हूँ क्योंकि मेरे गार्डन में लगा होता है और मैं इसको रोज़ ही यूज़ करती हूँ। और ये हाफ़ मेरे पास लेमन का पीस है, और चौथा हिस्सा मेरे पास शिमला है, और ये कुछ हरा धनिया है, और बाकी ये सूखे मसाले मैं आपको बता रही हूँ। 1 टीस्पून ये रेड चिली है, और 1/2 टीस्पून ये कुटा हुआ मतलब भुना हुआ ज़ीरा है, और ये काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, थोड़ा सी कलौंजी है, और ये थोड़ा 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला है, 1/2 टीस्पून ये मेरे पास गार्लिक पाउडर है, और ये 1/2 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, और 1/2 टीस्पून मेरे पास तिल है, और थोड़ी सी चुटकी मेरे पास ये कलौंजी की है, और ये 4 मैंने अंडे लिए हैं। अब 4 अंडों के अंदर ये जो ये मसाला है मैं अंडों में मिक्स कर दूँगी, ये मिक्स कर दूँगी अंडे के अंदर, और ये 4 अंडों के अंदर ये मसाला मिक्स कर दूँगी मैं। और चूल्हे में जला देती हूँ। और ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के 2 बड़े प्याज थे, दरमियाने साइज़ के प्याज थे, और आप कम प्याज कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले क्या करूँगी कि प्याज को बस मैंने भूनना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल में सौते करना है। ये मैं आपको सारा प्रोसीजर आपको दिखाऊँगी। ऑयल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना पसंद करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलेगा। और इसमें मेरे पास थोड़े से ये हरी प्याज है, लेकिन मैं फ्रीज़ की हुई है, ताज़ा नहीं है इस वक्त मेरे पास, क्योंकि फ्रीज़ की मैं जो बचती है या ज़्यादा होती है तो फ्रीज़ कर देती हूँ कि ज़ाया ना हो। और ये मेरे पास धनिया पाउडर है, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, 1.5 टीस्पून है, और ये हल्दी है 1/2 टीस्पून। ये इसमें 1 चम्मच मैं दूध का ऐड करूँगी इसके अंदर, कि इसमें मैंने मसाला डालने हैं तो ये सही से फिट जाए। और बाकी ये सारे मसाले अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इधर मैंने ये घी मेरा गर्म हो गया है, और मैंने इसमें देखिए सारा मैंने मसाले, ग्रीन मसाले भी और खुश्क मसाले भी सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। और ये प्याज को बस मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास ये 1 से 1.5 मिर्च कुटी हुई है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च। ये झटपट तैयार होने वाला सुबह के नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ, झटपट तैयार हो जाता है और मज़ेदार होता है, बहुत मज़ेदार है, बना के देखिए। देखिए इसकी शक्ल के लिए इसको ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा सब्ज़ी कर दो, हमने इसलिए इसको ऐसे कर दिया। इसको थोड़ी देर के लिए मैं
ऐसे ढक दूंगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ढकूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ये लेमन है ये छोड़ दूंगी। टमाटर प्याज आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। मसाले बिल्कुल इसके सेट हैं। नमक मैं कम इस्तेमाल करती हूँ और नमक बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी मेरी अंडे का पतीला, अंडे की भुजिया बहुत मज़ेदार है, आप बनाइएगा अपने बच्चों को, शौहर को खिलाइए। आपको